गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। हालांकि हम सेवन चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चन आंसर शायद बाकी है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली केस स्टडी दिया हुआ है और कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर आप खुद से कर सकें तो ठीक है, नहीं तो आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी कैसे भी। फर्स्ट है, आइडेंटिफाई डेटा रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन टू परफॉर्म द फॉलोइंग सर्विसेज, यानी कि आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ सर्विसेज दी गई हैं, आपको ये बताना है कि उनके लिए कौन कौन से किस किस टाइप के डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। फर्स्ट है डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट एंड प्रिंट ई सर्टिफिकेट्स। तो अब एग्ज़ाम रिजल्ट और ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकालने के लिए क्या क्या डेटा चाहिएगा, तो वो आप बता सकते हैं। जैसे कौन कौन सा डेटा हो सकता है, जैसे मुझे एग्ज़ाम रिजल्ट निकालना, तो स्टूडेंट की डिटेल्स, इंटरनेट कनेक्शंस, ये जो डेटा है ये रिक्वायर्ड होंगे, ये आप बता सकते हैं अपने सोर्स से, नहीं तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। पहले हम इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं क्योंकि ये सारे केस स्टडी से रिलेटेड है। जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, आप अपने लॉजिक से भी है, आप अपने सेंस से उनके आंसर दे दो तो बुक की ज़रूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट है रजिस्टर पार्टिसिपेंट इन एन एग्जीबिशन एंड इश्यू बायोमेट्रिक ID कार्ड्स। एक एग्जीबिशन लगी हुई है, एग्जीबिशन मतलब जो प्रदर्शनी होती है, कोई ना कोई मान लो किसी एंटीक आइटम की प्रदर्शनी लगी हुई है, एग्जीबिशन, ठीक है। और आपको क्या करना है, बायोमेट्रिक ID कार्ड, जो बायोमेट्रिक होता है अंगूठे की पहचान वाला, फिंगरप्रिंट वाला, वो कार्ड्स आपको इश्यू करने हैं। देन कौन सा डेटा चाहिएगा आपको, तो आपको एक तो सबसे पहले बायोमेट्रिक मशीन, उसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर आप डालोगे जो आपकी आइडेंटिटी रिकॉर्ड करें, एंड जो जो भी उस प्रदर्शनी में भाग ले रहा है एग्जीबिशन में, उनके सभी के रिकॉर्ड्स रहेंगे एक पर्टिकुलर रजिस्टर में मैन्युअली हार्ड कॉपी के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा इनके चाहिएगा। टू सर्च फॉर एन इमेज बाय अ सर्च इंजन, अगर आपको कोई इमेज सर्च करनी है तो क्या डेटा चाहिएगा, उसका नाम, मैंने आपको बताया था मेटा डेटा के अंदर, उनका नाम, या फिर आप उसका फॉर्मेट लगा के कर सकते हैं, या किस पर्पस से, बाय नेचर, बाय ऑथर, वॉट एवर, आपको किस से रिलेटेड चाहिए, किस फील्ड से रिलेटेड चाहिए, उनमें जा सकते हो, उनके नेटिव टाउन में जा सकते हो, उनके नेम से सर्च कर सकते हो। टू बुक एन OPD अपॉइंटमेंट विथ अ हॉस्पिटल इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, OPD डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है किसी विशेष डिपार्टमेंट के अंदर। देन हाउ विल, तो कौन सा डेटा आपको चाहिएगा, यहाँ आपको पर्पज बताना होगा, ठीक है, रीजन बताना होगा कि आप किस रीजन से अपॉइंटमेंट ले रहे हो, किस डिपार्टमेंट से ले रहे हो वो भी आपको बताना होगा, और किस वाया, किस मीडियम आप ले रहे हो वो भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट है स्कूल हैविंग 500 स्टूडेंट्स वांट टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप अचीविंग मोर देन 75% फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड having family income less than 5 lakhs per annum. Briefly describe data processing step to be taken by the beneficial prepare for the school. क्या करना है, आपके पास 500 स्टूडेंट की एक कैपेसिटी है, एक स्कूल है, अब उसमें आपको करना क्या है कि उन स्टूडेंट को दो कंटिन्यू ईयर्स की आपको स्कॉलरशिप देनी है, मेरिट कम स्कॉलरशिप, राइट, यानी कि मेरिट के बेस पे, और जिन्होंने क्या होगा 75% या उससे ज़्यादा ऑब्टेंड किए मार्क्स, उनको आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप देनी है मेरिट बेस पे 2 साल के लिए, और जिनकी फैमिली की जो इनकम है वो 5 लाख सालाना से कम हो, हर साल की 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रिपेयर करें 500 स्टूडेंट की, उनके मार्क्स देखें किन किन के मार्क्स 75 से अबव है, फिल्टर करेंगे आप, देन
ईच ऑफ स्टूडेंट जो भी 75 से हमने फिल्टर किए हैं, 75 या उससे ऊपर है, उनकी फैमिली से आप सर्वे करवाओ कि किन की इनकम 5 लाख से है या नहीं है। फिर क्या होगा, ये रिकॉर्ड आने के बाद आप क्या करेंगे, सभी का जो रिकॉर्ड्स है, जो आप 5 लाख पर इनकम के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, ITR चाहिएगा, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट, उनका जो भी प्रोफेशन है, वो सब कुछ डिटेल आप मंगाओगे। फिर आप वेरीफाई करोगे कि हाँ 75 वाले जो भी आपके रिकॉर्ड्स थे उनमें से हाँ किन की 5 लाख से ज़्यादा इनकम है, किन की 5 लाख से कम इनकम है, उनको आप आइडेंटिफाई करोगे। देन आप उन जो हमारे को रिकॉर्ड मिले हैं उनको आप स्कॉलरशिप इश्यू करोगे विथ द टर्म्स एंड कंडीशन वॉट एवर यू हैव। फर्स्ट, अ बैंक एक्स वाई जेड वॉन्ट टू नो अबाउट इट्स पॉपुलरिटी अमोंग द रेजिडेंट्स ऑफ अ सिटी ABC ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ बैंक अकाउंट ईच फैमिली हैज एंड द एवरेज मंथली अकाउंट बैलेंस ऑफ ईच पर्सन। क्या करना है आपको, आप एक बैंक है एक्स वाई जेड और एक सिटी है ABC। एक्स वाई जेड बैंक क्या चाहती है कि वो अपनी पॉपुलरिटी देखना चाहती है ABC सिटी के अंदर, किस बेस पे, कि हर व्यक्ति के पास मिनिमम बैलेंस कितना है, एवरेज बैलेंस कितना होता है हर महीने, और एक और फैक्टर दिया हुआ है कि उस पूरी फैमिली में कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं। इन बेस पे नेक्स्ट पूछा है हमसे, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप टू बी टेकन फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड व्हाट रिजल्ट्स कैन बी चेक्ड थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ द कलेक्टेड डेटा। अब कलेक्टिंग डेटा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो डेटा सीधी सी बात है, आप एक सर्वे कंडक्ट करवाओगे उस ABC सिटी के अंदर, डोर टू डोर हर फैमिली से कॉन्टेक्ट करवाओगे आप। फिर क्या होगा, फैमिली के आप नंबर ऑफ मेंबर्स को देखेंगे, फिर आप ये तय करोगे कि भाई 18 जो आपका क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम किस एज के पर्सन को खाता खुलवाने के लिए अलाउ करते हो, वो आप देखेंगे उनके मेंबर्स में से कौन कौन है, जो मान लीजिए मैं 18 प्लस मान रहा हूँ, तो 18 ईयर्स के कौन कौन है उनके आप रिकॉर्ड्स दर्ज करें। फिर सबसे पूछें कि किन किन का बैंक अकाउंट्स है, उनको आप उनके नाम अलग से नोट करें कि हाँ दीज पर्सन हैव द अकाउंट्स और नॉट। फिर सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, फिर आप उनके बैलेंस आप मैनुअली भी देख सकते हैं, नहीं तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि आपके मिनिमम बैलेंस कितना रहता है हर महीने, ठीक, सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसने पूछा है, व्हाट रिजल्ट्स कैन बी चेक्ड। अब सारा डेटा आने के बाद आप खुद चेक करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति के पास आपके बैंक में अकाउंट है, इस फैमिली से इतने अकाउंट्स है आपके पास, सब कुछ आपको मैन्युअली चेक करना होगा, चाहे आप अपने सिस्टम से करें चाहे आप अपने रिकॉर्ड से करें मैन्युअली, ये आपकी प्रोसेसिंग रहेगी चेकिंग की। फिर वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई इतने फैमिली के पास हमारे अकाउंट्स हैं और इतना बैलेंस ईच पर्सन कंटेन करके रखता है अपने अकाउंट्स में। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करना है आपको डेटा बीइंग कलेक्टेड और जनरेटेड इन द फॉलोइंग से, कि आपको कुछ सिनेरियोस दिए गए, कुछ सीन्स दिए गए हैं, सीन्स मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन दी गई है, और आपको क्या करना है कि कौन कौन सा डेटा जो है किस टाइप का डेटा जनरेट होगा या कलेक्ट होगा, रिकॉर्डिंग अ वीडियो, ग्राफिकल डेटा, मार्केटिंग अटेंडेंस बाय अ टीचर मार्किंग सॉरी तो मैन्युअली रजिस्टर में हो रहा है, राइटिंग ट्वीट्स ऑनलाइन इट मींस ई एजुकेशन कह दो या फिर ई रिकॉर्ड्स कह दो, फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ये भी आपका ई फिलिंग हो गया, कंसीडर द टेम्परेचर इन सेल्सियस ऑफ 7 डेज वीक, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू बी यूज टू कैलकुलेट द फॉल, फाइंड द एवरेज टेम्परेचर, तो बताओ एवरेज निकालना है तो मीन आएगा, फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ द वीक, तो आप ये 7 डेज का है ना तो एवरेज निकालनी है, तो रेंज निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 30, फाइंड द टेम्परेचर रेंज, हाँ रेंज निकालनी है, हाइएस्ट वैल्यू आपके पास है 34 एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज 27, माइनस कर लीजिए 7, ये आपका एवरेज रेंज है कि सभी वैल्यू 7 के अंडर में रहेगी। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले आप मीन निकाल लें,
ऊपर दिया हुआ है आपको कैलकुलेशन, पूरा टेबल बना के करोगे तो निकल जाएगा। पहले आप क्या करोगे, मीन निकालोगे, फिर हर वैल्यू का जो आपकी 34 से स्टार्ट होकर 34 पे एंड हो रही है सबका सबट्रैक्शन निकालोगे, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है प्लस और माइनस में, फिर उनका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर की जो टोटल आई वो अपॉन नंबर्स ऑफ वैल्यू कितनी है, 7 ही होगी, तो 7 का आप डिवाइड दोगे, फिर जो आया उसका स्क्वायर रूट निकालना, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और स्कूल टीचर वांट टू एनालिसिस रिजल्ट आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट टेक्निक जस्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। टीचर वांट टू कंपेयर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ डिविजन्स सिक्योर्ड बाय अ स्टूडेंट इन क्लास 12th ए एंड क्लास 12th बी, वर ईच क्लास स्टैंड इज सेम। तो आपको क्या करना है, डिवीज़न निकालना है। अब डिवीज़न निकालने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक यूज़ में लेनी होगी, दोनों में सेम स्टूडेंट्स हैं तो देम आप क्या करेंगे, उनका एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे, राइट। क्या लिखा हुआ है, टीचर वांट टू कंपेयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डिवीज़न। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको एवरेज डिवीज़न निकालना है देन तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मोड निकालोगे, मोड, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बहुलक कहते हैं, बहुलक। तो क्या होगा, जैसे मान लो दोनों क्लासेज में बराबर ही स्टूडेंट है, इसने यही बोला है, तो 50-50 स्टूडेंट्स हैं। अब एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न के 30 है, सेकेंड डिवीज़न के 11 है, और बाकी जो थर्ड डिवीज़न है उसके 9 है, और वहाँ पर कुछ स्टैटिकल चेंज होगा तो काउंट कर लो, तो आपको एवरेज फिर जो उनका आएगा कि भाई आप ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट डिवीज़न की आ रही है, सेकंड की आ रही है, कि थर्ड की आ रही है, वो आप निकाल सकते हो, वो तो हो ही जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एवरेज निकालने है कि इस क्लास के फर्स्ट डिवीज़न कितने हैं और उस क्लास के 11th 12th बी के कितने स्टूडेंट हैं, दोनों के जो भी है एवरेज निकालो, वो आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड या डिवीज़न का एवरेज आ जाएगा कि हाँ दोनों क्लासेज में एवरेज स्टूडेंट इतने हैं फर्स्ट डिवीज़न के। फिर 12th ए एंड 12th बी दोनों के जो सेकेंड डिवीज़न के स्टूडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों में बराबरी हो, यहाँ पे अगर 11 जने हैं तो वहाँ हो सकता है 30 जने हो सेकेंड डिवीज़न पे, तो दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर लेना, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। टीचर हैज़ कंडक्टेड 5 यूनिट टेस्ट फॉर द क्लास इन द मंथ ऑफ जुलाई टू नवंबर एंड वांट टू कंपेयर द क्लास परफॉर्मेंस इन दीज 5 मंथ। तो जुलाई से नवंबर तक 5 महीने इन्होंने क्या लिए, 5 टेस्ट लिए हर एक महीने मान लीजिए। अब वो टीचर क्या चाहता है, परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है 5 मंथ के अंदर, तो उनके मार्क्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनके डिवीज़न उन्हीं के आधार पर करेगा कि हर, जैसे 5 टेस्ट ले लिए, पहले में एक बंदे को 5 नंबर आए, दूसरे में मान लो 10 नंबर का था, फिर किसी में 7 आया, किसी में ये आया, तो आप एवरेज निकालो हर स्टूडेंट का। फिर वही यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, पहले एवरेज निकलेगी, एवरेज से आपको पता चल जाएगा, वैसे एवरेज से ही क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन तो, कि हाँ ये बंदे की परफॉर्मेंस है, हर टेस्ट में वो 7 या 7 से ज़्यादा ला रहा है, ये बंदा पुअर है जो हर टेस्ट में 2 या 3 मार्क्स ला रहा है, एक बंदा है जो 10 of 10 ला रहा है, तो ये परफॉर्मेंस आपकी चेक हो जाएगी। नेक्स्ट 7 और 8 चैप्टर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। सपोज एनी एनुअल डे ऑफ योर स्कूल टू बी सेलिब्रेटेड, हाँ जी, एक फेयरवेल कह दो या फिर एनुअल फंक्शन आपका हो रहा है स्कूल में, और 2 क्लासेज है 11th एंड 12th, उनको इनवाइट किया गया है, उनके पेरेंट्स को भी एल्यूमिनी मतलब इनवाइट किया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी टेक्निक यूज लोगे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के स्टूडेंट हुज बोथ पेरेंट्स आर, जिसके दोनों पेरेंट्स उस स्कूल के एल्यूमिनी रह चुके हैं, एल्यूमिनी है, उनको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन सी टेक्निक यूज में ली जाएगी यहाँ पर, मीडियन, ठीक है ना, जो भी उनके बीच
उनका जो होगा टोटल्स, जो भी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी बार उनके पेरेंट्स रहे हैं, 11th में हो या 12th में हो, ठीक है, तो जितनी बार जिनके ज़्यादा पेरेंट्स रहे हैं उनको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। मीडियन में यही तो होता है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू घटाओ, तो जिसका ज़्यादा डिफरेंस आता है वो पेरेंट्स एल्यूमिनी है। हाउ वेरिड आर द एजेस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल? उनकी एजेस को आप कैसे अलग करोगे? स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के डिफरेंस आ जाएगा, मीन से कि एवरेज से इतना चेंजेस है इनका। फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन लुकिंग फॉर एन एंकर इन द क्लास ऑफ 42। हाँ, तो विच ऑफ द डेटा, विच मोड ऑफ द डेटा कलेक्शन शुड बी यूज्ड? एंकर आपको ऑर्गेनाइज करना है, 42 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है एक क्लास में, और वो स्टूडेंट किस बेस पे होगा, सिंगिंग, राइटिंग या मॉनिटरिंग स्किल्स, तो विच मोड ऑफ डेटा कलेक्शन शुड बी यूज्ड प्रैक्टिकली, ग्राफिकली एंड दोनों, मैनुअली भी होगा और ग्राफिकली भी होगा। आपको फिजिकली उनका टेस्ट लेना होगा कि उनकी आवाज़, उनका राइटिंग स्किल्स, आपको टेस्ट कंडक्ट करवाने होंगे। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द स्किल ऑफ ए स्टूडेंट एज डेटा? हम उसको रजिस्टर्ड में मैनुअली भी मेंटेन करेंगे, और उनका जो सीट वगैरह जो ऑनलाइन हम कह सकते हैं डेटा को, उसमें भी हमें मेंटेन करना होगा। तो ये मैंने आपको रफ आइडिया दिया है, आपसे हो तो बेटर है, नहीं तो मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, अब हम कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड